स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। तो आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है कनन पिंडारी ज़ू का। काफ़ी सुना है वहाँ के बारे में, अच्छे अच्छे जानवर हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वहाँ अवेलेबल है कि नहीं ये सारी चीज़ें, वहाँ जाने के बाद अपने को पता चलेगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैं बताता हूँ आपको वहाँ क्या रियलिटी में वहाँ है क्या क्या। तो चलिए चलते हैं, दोपहर में जाने लायक है भी कि नहीं मौसम, क्योंकि वीकेंड टाइम में बहुत लोगों को ऐसा रहता है जो गर्मी के दिनों पे छुट्टी मनाने के लिए ऐसा ऐसा जगह जाते हैं, तो वो रियलिटी में जाने लायक है कि नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्त हम तो निकल चुके हैं, आप कब निकल रहे हैं ये बताइए। मैं वैसे बिलासपुर से कनन पिंडारी जा रहा हूँ, तो ये अपना मेरा खटरी वाला रोड है, मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं पहुँचने वाला ही हूँ। बताता हूँ आपको बाहर का व्यू कनन पिंडारी का कैसा है। कनन पिंडारी का व्यू कुछ ऐसा है जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर का, बाहर में खाने पीने की भी सारी सुविधाएँ हैं, दोपहर होने के बावजूद वो भी गर्मी के दिनों के बावजूद भीड़ काफ़ी अच्छी खासी है अंदर में। चलिए चलते हैं अपन अंदर का, आपका व्यू दिखाता हूँ मैं अंदर। तो फाइनली अब अंदर आ चुके हैं, जब अंदर हम आते हैं तो सबसे पहले अपने को दिखता है मछली घर। तो दोस्तों ये चीज़ ना देखना मत भूलना क्योंकि इसकी 10 रुपये टिकट है, लेकिन ये बड़ा मज़ेदार जगह है, यहाँ अच्छी अच्छी मछलियाँ आपको दिखेगी। जैसे कि मैं आपको सैंपल कर दिखाता हूँ, टिकट भी यहाँ का 10 रुपये है, 10 रुपये टिकट। और ये देखिए एक कछुआ, काफ़ी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं। मैं आपको सिर्फ डेमो देने के लिए छोटा छोटा इसको क्लिप बना दिया हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है। क्या अच्छी अच्छी चीज़ें देखने से माइंड थोड़ा अच्छा रहता भी है। अभी आप कनन पिंडारी आए भी हो और ये चीज़ें भूल गए, कोई पूछा कि गए थे क्या नहीं देख पाए, बोलते हो हम लोग मछली घर देख ही नहीं पाए, ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा आ रहे हो तो पूरा इंजॉय करके ही जाओ। देखिए आप, मेरे को तो मेरा मछली घर काफ़ी अच्छा लगा, स्टार्टिंग में फर्स्ट इम्प्रेशन ही मेरा बेहतरीन था। आप भी देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर मछलियां हैं। इसके बाद चलते हैं अपन मछली घर को छोड़ के स्नैक पार्क की तरफ, जो आपको इसके बाद पड़ेगा आगे स्नैक पार्क। स्नैक पार्क में मैं गया, ज़रूर गया, मैंने ये गोंह कैरात और बहुत सारे सांप थे, जय सुशंभू, बहुत सारे सांप थे, बाकी एक भी सांप ऐसा नहीं होगा जो दिखा होगा, मेरे को एक भी सांप नहीं दिखा वहाँ पे, एक भी सांप जरा भी नहीं दिखा, जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा, सुनिए। जैसा कि हम लोग कनन पिंडारी आ चुके हैं, यहाँ पे जो फिश एक्वेरियम है वो तो काफ़ी मेरे को बढ़िया लगा, लेकिन रही बात जब स्नैक पार्क की, तो आपको सही बता दूँ स्नैक पार्क में मेरे को एक भी सांप नहीं दिखा। आप पता नहीं किसने किस जमाने से सोए हुए हैं, मेरे को कोई पता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं आप टाइगर, उसके बाद चीता देखेंगे अपन, फिर देखेंगे भालू, उसके बाद कार्पियो। ठीक है, चले मिलते हैं आपको मैं तेंदुआ। देखिए वो वहाँ पे है, ये देखो क्या करें यार, धूप से बचने के लिए भी छांव पे चला जा रहा है। हेलो ओ भैया, चलिए जा रहे हैं अपने घर, ये चलते हैं भैया बर्थडे टाइगर। अब आते हैं अपने बंगाल टाइगर। अब यहाँ तो दिख नहीं रहा है क्योंकि महाराज है ना, ये यहाँ पे सोए हुए हैं काफी दूर पे, वो वहाँ पे सोए हैं, अब ये तो आने से रहे। बंगाल टाइगर तो खैर अपने जगह पे आराम से सोया हुआ है, तो उसको तो हम नहीं देख पाए, बाकी यहाँ पे आप सफ़ेद शेर देख सकते हैं। कुछ फ़ोटो मैंने लिया था जिसको मैंने अपलोड किया है, कुछ उसके वीडियो के क्लिप भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो का क्लिप रहा। क्या है, ये भी बैठ के उठ ही नहीं रहे थे इसलिए जैसा भी मिला वीडियो लिया। ACIC ये मेरे को दिखा जरूर, लेकिन दूर में था काफ़ी अच्छा, फिर भी आ चुका है, आपको दिख ही जा रहा होगा आराम से, काफ़ी क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे जानवर हैं, कुछ जानवर हमको दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो जो दिखाई दिया उस सबका हमने वीडियो बनाया है आपको दिखाने के लिए।
जैसे आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी है जगह रहने को, ऐसा नहीं है। इन गर्मी में मेरा भी हालत काफ़ी बुरा है। ये आपको भालू दिख गया, उसके बाद में आपको ये दिखेगा दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा भी पानी अंदर घुस गया, इस वजह से लंबा वीडियो में उसका नहीं बना पाया। माहौल फिर भी सही था, अच्छा था, काफ़ी धूप था, फिर भी हम लोग को काफ़ी जानवर दिख गए। देखिए दरियाई घोड़ा, और ये अपना शुतुर मुर्ग है, ये भी यहाँ पे बैठे हैं। काफ़ी धूप है, सब छाँव में अपने अपने जगह पे अच्छे से बैठे हुए हैं। क्या छाँव की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है कानन पेंडारी में इन लोग के लिए, कि ये लोग बाहर पे रहें, तो सब अपने अपने घोंसलों पे, घरों पे बने हैं, वहाँ रहते हैं। ये हिरण काफ़ी दूर में बैठे हैं पेड़ के छाँव पे, यहाँ पे नीलगाय है। ये काफ़ी इतना क्लियर तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन हाँ हल्का फुल्का दिख सकता है। तो है ये भी धूपी के कारण अंदर में झोपड़पट्टी में अंदर में बैठे हैं। ये अपना मयूर, ये तो दिख जाता है, नॉर्मल है ये, कहीं ये आओगे तो हमेशा आपको दिख जाएगा। बाकी जो शेर, भालू, चीतल, ये सब चीज़ है ना, ये थोड़ा परेशानी है कि गर्मी दिनों में दिखेगा कि नहीं, ऐसा वाला हो जाता है। अब लास्ट चलते हैं यार, अब बाकी जानवर तो अपने को दिख ही नहीं। जैसा कि देख ही सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए कोई कमी नहीं है। झूले इन लोगों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, मैदान है, पिकनिक स्पॉट्स के लिए भी अच्छा है। यहाँ के समर वेकेशन पे अपन यहाँ आके पिकनिक वगैरह मना सकते हैं कपल्स के साथ, कपल लोग के लिए भी सही है, अच्छी जगह है। मतलब जो भी आएगा उनको अच्छा लगेगा ही जगह, ऐसा नहीं है। यहाँ खाने पीने से लेकर हर चीज़ की अच्छी खासी व्यवस्था है, जो भी है। मैं तो आप लोगों से बस इतना बोलूँगा कि आप अगर आसपास रहते हो तो ज़रूर एक बार कान पटाई देखने, अपने बच्चों को दिखाने जरूर लाएँ। शेर, भालू, चीतल, ये सब चीज़, बच्चे भी खुश रहेंगे यहाँ का माहौल देख के, उनको अच्छा भी लगेगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, बाय।